ये जिनमें से जानी मानी हस्ती जिनको मैं पहचानती हूँ, खुशवंत सिंह, बस रस्किन बॉन्ड एंड फ्रैंक ब्लैकर, अमेजिंग। एवरीवन, देवभूमि में आपका स्वागत है। पर हम बात उत्तराखंड की नहीं कर रहे हैं, आज हम बात कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश की, क्योंकि ये भी देवभूमि है। और आज हम आपको विजिट कराने वाले हैं एक बहुत ही ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी जो कांडा, एक जगह है कसौली में के बिल्कुल पास, और पूरी प्रॉपर्टी ये कसौली हिल रिजॉर्ट इसका नाम है। किस तरह की प्रॉपर्टी है, क्योंकि मैं यहाँ अपने रूम तक पहुँच गई हूँ, तो प्रॉपर्टी शो राउंड में आपको पूरा कराने वाली हूँ। लेकिन सबसे पहले मैं आपको अपना रूम शो राउंड कराने वाली हूँ। जो रूम हमें यहाँ मिला है, इट्स अमेजिंग। प्रॉपर्टी का जैसे आउटर व्यू अगर आप देखेंगे, देखने से ही आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से हिल्स के बीचों बीच ये प्रॉपर्टी बनी हुई है। यहाँ पर कुछ डिफरेंट तरीके के कॉटेजेस बने हुए हैं और कुछ नॉर्मल रूम्स हैं, तो हमें भी एक कॉटेज मिला हुआ है। ये प्रीमियम प्लस कॉटेज का नाम है। यहाँ पर जिस तरह से हमने मुक्तेश्वर में देखा था कि हर कॉटेज के अंदर एक हमें ट्री दिखाई दिया था, तो हमें वो उसका नाम भी ट्री हाउस था, लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे कि इन्होंने सारे जितने भी पेड़ यहाँ बीच में आ रहे हैं, सारे पेड़ों को बचाया हुआ है। ये बहुत अच्छी चीज़ है। इवन हमें अपने ही कॉटेज में 4 या 5 पेड़ ऐसे दिख रहे हैं जिनको बचाते हुए इन्होंने बनाया हुआ है कॉटेज। तो आइए हम देखते हैं अंदर से। ये हमारे कॉटेज का एंट्रेंस है, इट्स वेरी ब्यूटीफुल। देखिए पूरी ग्रीनरी है, इवन छोटे छोटे कुछ प्लांट्स यहाँ बकेट्स में इन्होंने ये दिए हुए हैं विद लाइट्स। और ये पूरे बड़े बड़े पेड़ आप देखिए, 4 पेड़ों को इन्होंने यहाँ पर बचाया हुआ है। आर रूम नंबर इज 106। टिंग टोंग। और देखिए जैसे ही हम अंदर आए हैं, हमारा वेलकम करने के लिए यहाँ पर वेलकम मोड दिया हुआ है। और जैसे ही हम इस वेलकम मोड को ऑन करते हैं, दिस इज अ वेलकम। सो आई कैन से दिस इज मोस्ट लग्जीरियस प्रॉपर्टी। अभी तक हमने जितनी भी प्रॉपर्टीज कवर की हैं, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट। तो देखिए ये इसका लिविंग एरिया है, और लिविंग रूम में हमें ये एक बहुत बड़ा सा ट्री इन्होंने यहाँ पर बीच में जिससे बचाया हुआ है, कवर किया हुआ है, ये हमें दिखता है। यहाँ पर इन्होंने सिटिंग दी हुई है। दोनों तरफ ये जो वाइट ग्लासेस हैं, बहुत ही अमेजिंग है, क्योंकि आपको व्यू सबसे ज़्यादा ज़रूरी चाहिए होता है। और यहाँ से आप बाहर आएंगे तो ब्यूटिफुल सिटिंग एरिया आपको यहाँ भी मिलता है। वाओ, दिस इज प्राइवेट फॉर दिस कॉटेज। यहाँ से आप नीचे भी जा सकते हैं। बहुत सुंदर यहाँ पर ये जो सेटअप इन्होंने दिया हुआ है, और देखिए यहाँ पर भी हमें ट्रीज बचाते हुए दिख रहे हैं ये। वाओ, तो देखिए यहाँ पर भी ये नीचे जाकर ये छोटा सा एक गार्डन दिया हुआ है इन्होंने, ये भी इसी कॉटेज का पार्ट है। और बाकी आप यहाँ खड़े होकर बैठ कर पूरा नेचर का मजा ले सकते हैं। बच्चे देखिए हमारे अपनी वीडियोज देख रहे हैं। तो देखिए वार्डरोब में आपको यहाँ पर सेफ तो मिलता ही है, साथ में ये फ्रेग्रेंस है। तो यहाँ पर देखिए इन्होंने 2-3 जगह पर ये इस तरह से मोड दिए हुए हैं। इसमें आप कॉरिडोर्स, क्लीनिंग, डू नॉट डिस्टर्ब, वेलकम मोड, और साथ में कर्टेंस एंड लाइट्स के लिए, इवन टीवी, और ये सब कर्टेंस हैं, मीटिंग, टीवी, हैंगिंग लाइट्स, फैन, ये सभी इन्होंने अलग अलग इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक मोड्स दिए हुए हैं। और इसके अलावा देखिए यहाँ पर ये इन्होंने पूरा इलेक्ट्रिक केटल सेट दिया हुआ है। हियर इट्स मिनी फ्रिज। इवन देखिए नीचे भी बिल्कुल आपको रॉ ये मिलता है, तो ये बहुत सुंदर लग रहा है मुझे। This is living room master, bedroom master. Okay.
तो अभी क्योंकि बच्चे उस तरफ बैठे हुए हैं, इन्होंने टीवी अपनी तरफ किया हुआ है, लेकिन जब हमें अंदर बैठने का मन करेगा तो हम इसको मूव कर लेंगे और हम इनको टीवी नहीं देखने देंगे. सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मोड. और ये देखिए बेडरूम, वाओ कितना अमेजिंग जो सेटअप है. आई मीन हेडरेस्ट आप देखिए, कुशनिंग. तो देखिए यहाँ पर भी कर्टन हमने ऑन कर दिए हैं. और अब देखिए बेडिंग का जो सेटअप है, देखते ही मतलब मजा आ रहा है कि बस आराम कर लो. लाइटिंग्स पे इन्होंने बहुत ध्यान दिया हुआ है. ये देखिए पीछे पूरा, ये इतनी बड़ी पिक्चर है तो फोकस लाइट्स वहां पर दी हुई है, हैंगिंग लैम्प्स दिए हुए हैं, रीडिंग लैम्प दिया हुआ है, सैनिटाइजर भी दिया हुआ है. वाओ एंड लुक एट द व्यू. हम ओपन भी कर सकते हैं, फ्रेश एयर ले सकते हैं हम विंडोज ओपन करके. फुल्ली एयर कंडीशन है ये, बावजूद इसके क्योंकि यहाँ पर ठंडा है. अभी बाहर ठंडा फील हो रहा है, अंदर तो नहीं है, बट बहुत अच्छा वेदर है यहाँ पर. तो अब दिखाते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट जो मेरे लिए होता है, वॉशरूम. वाओ वाइड मिरर जो मेरे लिए बहुत ज़रूरी है. एंड यहाँ पर देखिए एक ग्लास दिया हुआ है, तो ये स्विच से हम इसको क्लियर भी कर सकते हैं, विजिबल भी कर सकते हैं और इनविजिबल भी कर सकते हैं. एंड हेयर इट्स अ शावर पैनल, तो यहाँ पर आपको रेन शावर भी मिलता है, हैंड शावर भी मिलता है. और यहाँ पर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स में एग्जॉस्ट, मिरर एंड बाथरूम. दिस इज एग्जॉस्ट, मिरर एंड बाथरूम तो ऑफकोर्स यहाँ हमने ऑन ही किया हुआ था. तो फीचर्स मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं और ऑलमोस्ट हमारे पास सारी ही एमिनिटीज हमें यहाँ मिली हुई हैं, डेंटल किट, शेविंग किट, शावर कैप, कॉम, एवरीथिंग. पूरी प्रॉपर्टी में ग्रीनरी बहुत अच्छी है. और इसी तरह के देखिए कॉटेजेस जो बने हुए हैं, हर कॉटेज में आपको देखेंगे बहुत सारे पेड़ों को बचाया गया है. और यहाँ से अभी हम ऊपर जा रहे हैं. टोटल 17 रूम्स हैं इनके और बहुत डिफरेंट है, क्योंकि तो सारे तो हम दिखा नहीं पाएंगे लेकिन जितना पॉसिबल है वो देख लेते हैं. और देखिए जैसे ही हम ऊपर आते हैं यहाँ बहुत ही ब्यूटीफुल फाउंटेन हमें दिख रहा है. यहाँ पर आप सिटिंग स्पेस तो है ही, साथ में बहुत सारे गेम्स यहाँ दिए हुए हैं. टीटी टेबल है, डार्ट है, आर्चरी यहाँ पर है और बास्केटबॉल भी खेल सकते हैं. और देखिए ये बेटा प्लीज़ वहाँ पे प्ले करो, बैडमिंटन आप खेल सकते हैं. टिया प्ले बैडमिंटन. तो सिट आउट्स बहुत अच्छे यहाँ पर दिए हुए हैं. इवन ये डाइनिंग कम सिटिंग एरिया आप कह सकते हैं, क्योंकि यहीं पर इनका रेस्टोरेंट है. और देखिए इतने ब्यूटीफुल व्यू के साथ आप यहाँ बैठकर अपना लंच लीजिए, बहुत मज़ा आ जाएगा. हमने भी इवन लंच यहीं लिया था अपना. और फूड के बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ, यहाँ पर वेज नॉन वेज दोनों ही फूड्स अवेलेबल हैं. तो आइए मैं आपको दूसरी कैटेगरी दिखाती हूँ कॉटेज की. ये सुपर डिलक्स कॉटेज हमें बताया गया है. तो देखिए कॉटेज तो नो डाउट बहुत सुंदर है, क्योंकि हर रूम में, हर कॉटेज में इन्होंने इंटीरियर बहुत डिफरेंट दिया हुआ है और बहुत प्रीमियम क्लास है इसकी. एमिनिटीज मुझे सभी दिख रही हैं रूम में. वॉशरूम देखिए इसका और भी डिफरेंट आपको दिखेगा. इवन यहाँ पर शार्प पैनल भी इन्होंने क्यूबिकल दिया हुआ है. इनके सभी रूम्स एंड कॉटेजेस फुली एयर कंडीशन है. और रूम्स में आपको ये जो बालकनी एरिया मिलता है, देखिए इस रूम से आपको वैली व्यू मिलता है, बहुत ही ब्यूटीफुल.
और देखिए सारे ही कॉटेजेस आप देखेंगे कि काफ़ी डिस्टेंस पे बने हुए हैं, तो बिल्कुल भी डिस्टर्बेंस नहीं होती है, आपको एक प्राइवेसी मिल जाती है। और देखिए बहुत सुंदर ये इन्होंने ब्रिज बनाया हुआ है क्रॉस करने के लिए, और यहाँ पर आपको थोड़े स्विंग्स दिखेंगे, तो बच्चे बहुत इन्जॉय करते हैं इन चीज़ों को। और देखिए साथ में जिस तरह से इन्होंने जगह जगह पर इस तरह के सिट आउट्स दिए हुए हैं, यहाँ पर बैठकर आप अपना टी कॉफ़ी ले सकते हैं और नेचर को इन्जॉय कर सकते हैं। वाओ, और देखिए यहाँ पे भी हमें इतना प्यारा ये लेमन ट्री मिल गया है जिसपे इतने सारे लेमन्स लगे हुए हैं। और देखिए ये हम आपको एक डिफरेंट कैटेगरी दिखाने जा रहे हैं, दिस इज सेमी प्रीमियम कॉटेज। सेमी प्रीमियम क्यों है ये मैं बता देती हूँ आपको, क्योंकि जो हमने अपना वाला आपको कॉटेज दिखाया है दैट इज़ प्रीमियम, और एक प्रीमियम कॉटेज बिल्कुल इसके ऊपर है वो भी आपको सेम मिलता है लेकिन उसका साइज़ बड़ा है, ये सेमी प्रीमियम है। और यहाँ से जो व्यू मिलता है आपको यहाँ का, देखिए पूरा व्यू आपको पाइन ट्रीज का मिलता है। और देखिए ये सिटिंग एरिया इन्होंने दिया हुआ है, यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस कम है बट जिस तरह से जो इन्होंने इंटीरियर यहाँ पे दिया हुआ है पूरा बहुत ही एंटीक है। इवन देखिए टेबल का शेप अगर आप देखेंगे इट्स वेरी यूनिक। और बाकी देखिए सारी एमिनिटीज हमें मोस्टली सेम ही मिल रही है, ये रिवॉल्विंग हमें यहाँ पर टीवी मिल रहा है, और देखिए बेड बहुत ही कोजी सी फीलिंग हो रही है, और जिस तरह से इन्होंने पूरा बेड को डेकोरेट किया हुआ है वाओ, इतने सारे कुशंस सी, और इवन जो हेडरेस्ट भी दिया हुआ है ये सभी रूम्स में मुझे डिफरेंट दिख रहा है। और देखिए स्टोन्स, ये जो पूरा यहाँ पे वॉल दिया हुआ है ये स्टोन वॉल है, ये भी अपने आप में एक एंटीक फील दे रहा है हमें। और वॉशरूम देखिए, वॉशरूम सभी रूम्स के बहुत स्पेशियस और बहुत मॉडर्न एमिनिटीज के साथ आपको दिखेंगे। तो देखिए यहां पर ये जो वुडन कॉटेजेस हमने आपको दिखाए हैं ये इसी तरह के, इनके पास डिफरेंट 5 कैटेगरी में वुडन कॉटेजेस हैं। और अब हम आपको दिखाने वाले हैं जो रूम्स हैं इनके डिलक्स रूम्स, अब हम वो देखते हैं। वाओ, लुक एट द ग्रीनरी, लैंडस्केपिंग वेरी ब्यूटिफुल। और देखिए जगह जगह यहाँ प्रॉपर्टी में इस तरह के आपको बोर्ड्स मिलेंगे जहाँ पर ये इन्होंने कसौली की हिस्ट्री दी हुई है अबाउट द चर्च, यहाँ पे एक चर्च है बहुत पुराना उसके बारे में बताया गया है, इसी तरह से जो यहाँ का लोकल बाज़ार है उसके बारे में बताया गया है, मंकी पॉइंट है यहाँ पर उसके बारे में भी लिखा हुआ है। कितना बड़ा ब्रिज क्रॉस कर रहे हैं हम, दिस इज़ रॉबिन। देखिए यहाँ पर सभी रूम्स के नेम बर्ड्स के नेम पर रखे गए हैं, तो ये भी बहुत अच्छा है, नेचर से मिलता जुलता। देखिए यहाँ पर ये रूम मैं आपको दिखा रही हूँ, वॉयलेट, ये इनके बेस कैटेगरी रूम्स, और आप बेस कैटेगरी के हिसाब से भी अगर देखेंगे तो मैं आपको सारी चीज़ें दिखाती हूँ। एमिनिटीज़ आपको सारी मिलेंगी, बेडिंग सभी रूम्स की आई मस्ट से अमेजिंग, बहुत सुंदर है। हेडरेस्ट इसका भी देखिए बहुत यूनिक सा है, डिफरेंट है, और पेड़ को जिस तरह से यहाँ पर बचाया हुआ है देखिए वाओ, दैट्स रियली नाइस। सभी रूम्स में आपको बालकनी मिलती है तो आप बालकनी से बाहर का व्यू बहुत अच्छा जो आपको मिलता है वो इन्जॉय कर सकते हैं, अंदर भी आपको सिटिंग मिलती है और बाहर भी आपको सिटिंग मिलती है। और देखिए बहुत ही सुंदर वैली व्यू विद पाइन ट्रीज। और देखिए इस रूम का भी वॉशरूम आपको जैसा सभी रूम कॉटेजेस के वॉशरूम्स मिले हैं, ये भी बहुत डिफरेंट है, यूनिक है और सारी एमिनिटीज़ के साथ है। साथ ही मैंने देखा यहाँ पर एक मैंने डिफरेंट चीज़ ये देखी है कि जिस तरह से अभी
पैंडेमिक में ये कोविड से बचने के लिए देखिए हैंड सैनिटाइजर सभी रूम्स में आपको मिलेगा, इवन मेडिकेट्स एंड स्विंग किट ये भी आपको सभी रूम्स में मिल रही है। तो जिस तरह से ये प्रॉपर्टी पूरी हमने विजिट की है, मुझे स्टाफ बहुत ट्रेंड है यहाँ पर, प्रोफेशनल स्टाफ मैं कह सकती हूँ कि मुझे देखने में और जिस तरह से वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं मिल रहा है यहाँ पर। और हाइजीन की तो हम बात जैसे देख ही रहे हैं, इट्स नीट एंड क्लीन, फुल्ली हाइजीनिक। और देखिए जैसा कि हम देख ही रहे हैं बहुत ही प्रीमियम प्रॉपर्टी है ये, इसलिए चार्जेस भी थोड़ा सा हायर साइड है, लेकिन वर्थ इट है क्योंकि आपको सारी सर्विसेज मिल रही हैं बिल्कुल ऑफ बीट प्लेस पर। और टैरिफ यहाँ का 5000 प्लस टैक्सेस स्टार्टिंग रेंज है, अप टू 9000 प्लस टैक्सेस फॉर टू पीपल रूम ओनली बेसिस, बाकी आप नेगोशिएट कर सकते हैं और अपने मील्स इंक्लूड करा सकते हैं। यहाँ पर कार्ड फैसिलिटी अवेलेबल होती है एक रूम से दूसरे रूम तक, या फिर अगर आपको रिसेप्शन से रेस्टोरेंट आना है, हम ऊपर से जब लगेज इन्होंने पिकअप किया था तो वहाँ से भी इन्होंने हमें नीचे रिसेप्शन तक ये हमें कार्ड से ही लेकर आए हैं, तो ये फैसिलिटी यहाँ पर अवेलेबल होती है। ये इनका रिसेप्शन एरिया है जिसे अभी ये एक्सपैंड कर रहे हैं और ये एरिया बड़ा हो जाएगा। यहाँ पर ये लाइब्रेरी के लिए प्लान कर रहे हैं, तो यहाँ पर एक लाइब्रेरी बनेगी, तो आप बैठकर बुक्स पढ़ सकते हैं, टाइम स्पेंड कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पर इन्होंने अभी बार के लिए ये कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो यहाँ पर बार भी इन फ्यूचर आने वाला है और एक नया ब्लॉक और ये ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन में है, तो नंबर ऑफ रूम्स यहाँ पर और बढ़ जाएंगे, तो अवेलेबिलिटी फिर आपको इजीली मिल जाएगी क्योंकि जिस तरह से मैं अभी देख रही हूँ यहाँ पर अच्छा खासा रश है, तो रूम्स की अवेलेबिलिटी कम ही रहती है। तो देखिए सूप हमने ऑर्डर कर दिया था रूम में क्योंकि बहुत थक गए थे घूम घूम के, मनचाओ सूप पी रहे हैं और विदित पी रहा है टोमेटो सूप, तो ये हम रूम में ले रहे हैं। बाकी हम डिनर आपको क्योंकि टेस्ट करके भी बताएंगे कैसा डिनर है और क्या इनका सेटअप है। वाओ, एंड दिस इज प्लेटर, वाओ देखने में इतना टेम्पटिंग है तो खाने में तो कितना डिलीशियस होने वाला है। प्रेजेंटेशन मुझे बहुत अच्छी लगी है, गार्निशिंग जिस तरह से इन्होंने की हुई है, इट्स ऑसम। तो स्नैक्स और सूप के बाद किसी को भी ज़्यादा भूख नहीं है और इसीलिए सबको लाइट खाना था। हमने बिरयानी के साथ रायता ऑर्डर किया था और दाल मखनी के साथ रोटियाँ, लेकिन गलती से हमारे ऑर्डर में अभी दाल आ गई है, रोटियाँ आ गई हैं, बिरयानी मिसिंग है, तो अभी हमने भैया को बोला है हमारी बिरयानी रेडी करने के लिए, तब तक हम लोग ये खाते हैं। और हम देखिए बाहर ओपन एरिया में डिनर कर रहे हैं, तो यहाँ पे ठंडी ठंडी हवा भी लग रही है, अच्छा लग रहा है। और जिस तरह से प्रिपरेशन है यमी, स्नैक्स बहुत अच्छे थे, प्लेटर खाया था हमने, प्लेटर अच्छा था, सबको अच्छा लगा, फूड एकदम फ्रेश है। एंड इवन जो चपातियाँ हैं, अब ये जो रोटी बटर रोटी हमने ऑर्डर की है, ऐसे एडवेंचर भी होते रहते हैं तो ये आटा बहुत स्पेशल है, आई थिंक रोटियाँ बहुत अच्छी हैं और टेस्ट भी अच्छा है और डाइजेस्टिव भी है। और देखिए जिस तरह से गार्निश किया हुआ है सैलेड को, वेरी नाइस। तो चलिए अब हम जल्दी से खाते हैं, तब तक बिरयानी भी आ जाएगी। देखिए जब भी हम किसी हिल स्टेशन पर जाते हैं सबसे ज़्यादा हमें टेंशन होती है कार पार्किंग की, और देखिए यहाँ पर हमें 15 टू 17 कार्स की पार्किंग दिख रही है। एंड इवन मैं स्पेशल थैंक्स करना चाहूँगी यहाँ के सिक्योरिटी गार्ड्स को, बिकॉज वो इतने एक्टिव और ट्रेंड तो हैं ही, अपनी ड्यूटी बहुत अच्छे से कर रहे हैं क्योंकि हम तीन बार यहाँ आए हैं और हमने तीनों बार जिस तरह से उनकी ड्यूटी करते हुए उनको देखा है, रियली वेरी गुड, और मैं इसीलिए उनको थैंक्स करना चाहती हूँ। बहुत सेफ है यहाँ पर और बस यहीं पर आप पार्क करके नीचे चले जाते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, आज दिन की शुरुआत कॉफ़ी के साथ। तो आइए जल्दी से ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, बुफे सेटअप यहाँ पूरा किया हुआ है इन्होंने, और देखिए टी कॉफ़ी सीरियल्स फ्रूट्स जूसेस, और इंडियन में भी आपको काफ़ी सारे आइटम्स मिल रहे हैं, आलू टिक्की, आलू बूंदा, बेक बीन्स, यहाँ पर पूरी भाजी है, आलू मिक्स पराठा, पॉरेज, यहाँ पे कुछ इन्होंने नॉनवेज आइटम्स भी दिए हुए हैं, चिकन सलामी एंड बॉयल्ड एग्स, और कुछ सैंडविचेज़ हैं यहाँ पर,
विद बटर एंड पिकल, काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, तो जल्दी से फिनिश कर लेते हैं। मुझे लगता है ये बहुत अच्छा ऑप्शन मैंने आपको दिखाया है कसौली में, क्योंकि नेचर के बीचों बीच इतनी ब्यूटीफुल जगह, सो आई मीन एक परफेक्ट वर्ड इस प्रॉपर्टी के लिए मैं कहना चाहूँगी, इट्स अ फ्यूजन ऑफ मॉडर्न एमिनिटीज़ इन नेचर। तो नेचर को बचाते हुए इन्होंने जिस तरह से हमें सारी एमिनिटीज़ यहाँ पर मॉडर्न मिलती हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल सराउंडिंग्स हैं, तो आप आई एम श्योर जब यहाँ आएंगे तो आप बहुत इन्जॉय करने वाले हैं। और इसी तरह से टेंशन्स को दूर भगाइए और ट्रैवल करते रहिए ओटी एक्सपर्ट सपना के साथ। वीडियोस को लाइक शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए ऑटो एक्सपर्ट एंड ओटी एक्सपर्ट अगर अभी तक नहीं किया है तो, ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेने के लिए। जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। जय माँ गंगे, हर हर गंगे।